बिहार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां उत्तर बिहार में लगातार चमकी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ लू का प्रकोप मध्य बिहार में जारी है। आपको बता दें कि सिर्फ मध्य बिहार में पिछले दो दिनों के अंदर 97 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा करीब 50 लोगों की मौत बिहार के औरंगाबाद में हुई है, जबकि गया नवादा भी इससे काफी आक्रांत है और वहां क्रमशः करीब 15 मौत गया में हुई है और नवादा में भी 12 की मौत हुई है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और सरकार ने सभी पीएचसी से लेकर तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। जिस तरीके से गर्मी हो रही है, मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि अगले 4 दिनों के बाद ही मौसम विभाग से जो जानकारी में 4 दिनों के बाद ही कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तब तक लोगों के मरने का सिलसिला जिस तरीके से हो रहा है, लोग परेशान हैं, जो संसाधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं, अस्पताल में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। आखिर देखने वाली बात यह है कि सरकार किस स्तर पे जो काम करती है। पटना से कई जिलों में मेडिकल टीम भेजी गई है जो वहां पे व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन बावजूद जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है। कैमरा के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।